রহল অন্ধকো পকনু ছ তিমি সঙ্গ বসে রহল দাবে মুনা নাচি রাছ তিম্রো মুহার দেখে রহল দেউরালিমা বসিয়া ছু হই তিম্রো নাম জপে
उस साइड पहाड़ों की तरफ बारिश गिर रहा है और फाइनली हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं और इस साइड मौसम खुला हुआ है बैला टीला की और बैला टीला बच्चे की और पीछे का नज़ारा बहुत शानदार और इस साइड पेड़ वेड़ा भी लगाया गया है और इस साइड इस साइड में थोड़ा खेती वाले अभी धान कटाई हो गया यहाँ का प्यारा व्यू है हमारे गांव जाने वाली रास्ता तो ये रोड अभी अभी बना हुआ है और क्या है इससे पहले ये रोड कम से कम मेरे पापा के दादा के बचपन में बना था रोड उस समय ये कच्चा रोड था पूरा और उस समय हम पैदा भी नहीं हुए ये हमारे पिताजी बताए हैं अब जाके 2020 और 2021 में बना है लगभग ये 5 किलोमीटर का रास्ता होगा और उस साइड में तो बारिश में बहुत चालू होती है हमारे क्षेत्र में हम रहते रहे क्या करें धान कटाई हो गया क्योंकि मौसम भी ना किसान को नुकसान कर दे रहा है तब धान कटने का सीजन रहता है उस समय बारिश गिर जा रहा है और फिर क्या है किसान का जो फसल है वो नुकसान हो जा रहा है बेचारा और हमारा भी धान नुकसान हुआ है उसको भी हम अभी रिकवर करेंगे अपने दिमाग लगा कर और बोलते हैं हिंदुस्तानियों के पास देसी दिमाग बहुत ही ज़्यादा है तो उसी हम करेंगे देख सकते हो वहाँ पर भी धान को ढक के रखा गया है ब्लू दिल्ली में तो मौसम कभी भी बदल गया तो क्या करें यार एक तरह पूरी नहीं कर सकते और एक तरफ से पर्यावरण तो हम भी नष्ट कर रहे हैं वो उसका एक कुछ कारण है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तो अपने गांव में पहुँचने वाले हैं बने रहो आप दिखाते हमारे घर ये हमारा घर पापा का मेहनत का है अभी हमारे हम भी ऐसे घर बनाएंगे पापा की तरह हमारा भी फैस है घर है तो अभी रोटी मकान सब है घर नहीं है तो कुछ नहीं है सामने में स्कूल है जैसे हम अपने बचपन में जब इधर आते थे गर्मी छुट्टी मनाने तो ये स्कूल का हम क्या स्कूल बोलते थे क्योंकि गर्मी के दिन सब बच्चे का छुट्टी हो जाता था और ये स्कूल में आके हम गुद गुद वाला खेलते थे और रात को रुकते भी थे और छत में जाके सोते भी थे यहाँ के गांव के बच्चे हैं नन्हे मुन्ने देख सकते हो ये हमारा गाँव बन गया है आंगनबाड़ी भी बन गया है हर चीज़ बन गया है थोड़ा डेवलप हो रहा है गाँव सरकार आगे बढ़ रहा है मतलब रोड बना दिया मुर्गी हरिया